सलाम सत श्री अकाल नमस्कार केम छो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं लवासा में इनके लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है क्योंकि नहीं आता तो ये जब रूठ जाते हैं तो इनका जबड़ा बाहर आता है सब लोग बोलते हैं कि सलमान भाई का हाथ अगर हमारे सर पे आ जाए तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा लेकिन मेरे सर पे हाथ इन्होंने 89 पे ही रख दिया था जब मुझे जरूरत थी मेरे पूरे फैमिली के लिए जब मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम सलमान भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और आज मैं इस मंच पे पहुंचा सिर्फ सलमान भाई की वजह से थैंक यू सलमान भाई मैंने प्यार किया एक फिल्म बनी थी जिसमें मैं आर्टिस्ट था ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उस वक्त राजू दादा जयंती दादा के साथ काम करते थे राजू दादा मेरा जो मेकअप करने से रिफ्यूज करते थे राजू दादा क्योंकि राजू दादा अमित जी का मेकअप करते थे करता था ये झूठ बोल रहा था अमित जी पहचान जाएंगे तेरे को प्रकाश मेहरा साहब के प्रोडक्शन में राजू दादा काम करते थे तो राजू दादा से बोला गया कि जरा एक नया लड़का है इसका मेकअप कर दो तो राजू दादा ने इनकार कर दिया था क्या पता था कि वो लड़का आज यहाँ पर खड़ा होगा राजू दादा के साथ फिर बहुत कन्विंस करने के बाद कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे राजू दादा अगर इन्होंने मेरा मेकअप नहीं किया था तो राजू दादा एटीट्यूड के साथ इस तरह से राजू दादा मेरा मेकअप ठोक ठाक के करते थे राजू मेरे साथ करीबन 22-23 साल हो गए जितना वक्त मैंने राजू के साथ बिताया इन 22-23 सालों में शायद मैंने अपने परिवार के साथ भी नहीं बिताया होगा जिस दिन राजू ने ये डिसाइड कर दिया कि मैं सलमान का मेकअप नहीं करूँगा उसके बाद मेरी लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप आर्टिस्ट आएगा ये बोलने की बात है क्योंकि राजू ने ये ट्राई किया एक दिन दिल्ली के अंदर मेरे पे भड़क गए ये क्या लगा रखा मेरे से नहीं होता ये सब ये डे नाइट नहीं 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 ये नहीं चलेगा मेरे साथ मेरे को जाने का है इनका कुछ हार्मोन लेवल कुछ शिफ्ट हो गया था और मैं ये होटल के कॉरिडोर के अंदर हो रहा था तो मैं बोला क्या करना चाहता है तू तो इस समय जा रहा हूँ वापस घर पर ताय से वो चला जा तू तो राजू गया राजू का भाई आ गया राजू को राजू के भाई से इनसिक्योरिटी हो गई राजू का भाई मेरे भाई सोहेल के साथ मेकअप करता तो राजू का भाई आया राजू के भाई ने बहुत इंटरेस्ट के साथ काम किया तो राजू अपने भाई से जलना लग गया राजू हम उस वक्त एक बिस्तर पे सोते थे क्योंकि इसमें ताली मारने की कोई जरूरत नहीं है पक रही हो मैडम एक अमेजिंग क्वालिटी इसकी ये है कि एक टाइम था जहां पे ऐसा लगा कि मैं टकला हो जाऊंगा और जुकाम का प्रॉब्लम हुआ करता था मुझे और मैंने कुछ दवाई लेना शुरू की और धड़ाधड़ बाल गिरने शुरू हुए तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट है इसे नहीं है कोई साइड इफेक्ट ऐसे कुछ है यार क्योंकि मेरे ऐसे बाल गिरते हैं अच्छा अबे जुकाम ठीक है बाल जाना हीरो के लिए मतलब के खत्म टोटल लॉस बॉस ने जब से कहां पे जाता तू बाल काटने के लिए बालाजी तिरुपति जाते हैं बाल डोनेट करने के लिए मेरे लिए हर साल All their makeup artists because makeup artists हैं तो हम हैं makeup artists नहीं तो हम कुछ भी नहीं Thank you ज़्यादा बोल रहा हूँ Thank you sir